हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द वहाबी मूवमेंट। यहां दोस्तों, वहाबी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसकी ओरिजिन के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये मूवमेंट हिंदुस्तान में ओरिजिनेट नहीं हुआ था बल्कि अरब में हुआ था। यहाँ दोस्तों, सो अरबियन कंट्री में एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है अब्दुल वहाब। ये इसके रियल फाउंडर है। अरब में इसकी बुनियाद डाली जाती है बाय अब्दुल वहाब, जो कि नजद से बिलोंग करते थे। नजद एक जगह का नाम है, राइट। सो इस तहरीक या इस मूवमेंट का जो मकसद था वो इस्लाम में जितनी इम्प्योरिटीज थी उनको, सुपरस्टिशंस थी उनको निकाल कर फेंकना एंड इसको प्यूरीफाई करना, इसके रिलीजियस प्रिंसिपल्स को प्यूरीफाई करना। एक्चुअल नेम के बारे में बात करेंगे। वहाबी मूवमेंट का जो एक्चुअल नेम था दोस्तों वो था तरीकाए मोहम्मदिया और द पाथ शोन बाय प्रॉफिट मोहम्मद। सो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं। सो इस्लाम धर्म के मुताबिक ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए दुनिया में आखिरी पैगम्बर मैसेंजर थे, राइट। सो इनका जो पैगाम था यानी कमांडमेंट जो था और जो इनका बताया हुआ जो तरीका था जिस तरीके से इस्लाम को फॉलो करना है, इन चीज़ पर ज़्यादा फोर्स करना और रीइंफोर्स करके एक मूवमेंट को क्रिएट करना, ये दरअसल वहाबी मूवमेंट का एक सबसे बड़ा पहलू था। जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि 18 सेंचुरी में अब्दुल वहाब जो कि स्टार्ट करते हैं एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट विद इन इस्लाम इन अरबिया, जिनका एम होता है कि वो जितने भी प्रिवेलेंट सुपरस्टिशंस थे उनको हटा देना और जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कहा था, जो प्रेस्क्राइब किया था रिगार्डिंग प्रैक्टिसेस, उन चीज़ों को इन्फोर्स किया जा सके, राइट। सो दिस न्यू फेथ वॉज कॉल्ड वहाबिज्म। वहाबिज्म के बारे में पर्टिकुलरली और बताया जाए तो इस्लाम में कुछ 72 सेक्ट्स हैं, उनमें से ये एक सेक्ट बनकर उभरा, राइट। सो वहाबी का जो मतलब होता है वो होता है रेनेसा यानी रीबर्थ। सो यहाँ पर जो भी कल्चरल या फिर सोशल या फिर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में ये पूरी तरीके से जोर डाल रहे थे, लेकिन इंडिया में ये मूवमेंट कहीं ना कहीं अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट होता है विद सिमिलर मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं ये आपको बता दूं कि विद सिमिलर मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हिंदुस्तान में ये मूवमेंट शाह वलीउल्लाह, जो कि एक फेमस मुस्लिम सेंट है दिल्ली के, उन्होंने स्टार्ट किया इस मूवमेंट को। ये जो मूवमेंट है ये ओरिजिनेट होता है एज अ रिलीजियस मूवमेंट विद द एम ऑफ प्यूरिफाइंग इस्लाम, लेकिन लेटर ऑन देखते ही देखते ये जो है एक प्रेजेंट रिवोल्ट और एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बन जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये पर्टिकुलर वहाबी मूवमेंट जो कि शाह वलीउल्लाह के जरिए स्टार्ट होता है हिंदुस्तान में, लेकिन चूंकि इसके एक्चुअल फाउंडर जो है इंडिया में वो सैयद अहमद के नाम से जाने जाते हैं। सैयद अहमद, मैं आपको बता दूं, ये रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है ये वहां पर पैदा हुए एंड कहीं ना कहीं बाद में ही केम इन टच विद अजीज 1820 में, एंड देन फिर वहां से इस्लामिक रिफॉर्म को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं एंड देन फिर वो मक्का चले जाते हैं मक्का पिलग्रिमेज को लेकर, फिर वहाँ से वापस आते हैं इन द ईयर 1822 एंड फाइनली यहाँ पर एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को लॉन्च करते हैं अलोंग विद वहाबी लाइंस। विद द लैप्स ऑफ टाइम इनके बहुत सारे फॉलोअर्स और डिसाइपल्स बन जाते हैं एंड फाइनली ये जो रिलीजियस मूवमेंट जो था वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल प्रोपोर्शंस को अज्यूम कर लेता है, राइट। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया को दारुल हर्ब के नाम से पुकारा और अपने फॉलोअर्स के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि वो ब्रिटिश के खिलाफ एंटी सेंटिमेंट्स को पैदा करें। इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश को सबसे बड़ा एनिमी समझा ऑन द ग्राउंड। लास्टली अगर सैयद अहमद के बारे में बात करते हैं तो ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटल ऑफ बालाकोट अगेंस्ट द सिख्स इन द ईयर 1831, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद इसका एक्सटेंशन, मूवमेंट का एक्सटेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है और देखते ही देखते वहाबी मूवमेंट जो है वाइड स्प्रेड प्रोपोर्शंस इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब बंगाल बिहार मेरठ एंड हैदराबाद जैसे जगहों पर फैल जाता है।
However, इसके बाद जो ये मूवमेंट डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की शक्ल लेती है वो तब होता है जब बंगाल में ये वेस्ट बंगाल में जब ये तहरीक बहुत ज़ोरों शोर से फैल जाती है। बंगाल में वहाबी मूवमेंट बेसिकली 12 साल से स्टार्ट होती है और इसके पीछे लीड करने वाली जो पर्सनालिटी उनका नाम है सैयद नासिर अली। कुछ लोग इनको टीटू मीर के नाम से भी जानते हैं, मीर निसार अली के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को बंगाल में लीड करते हैं। वेल, सिमिलर टीचिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये वहाबी मूवमेंट को प्रीच करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा इंसिडेंट है जिसको यहाँ पर रिमार्क करना चाहिए और समझना चाहिए वो ये है कि बाद में 12/7 रिबेलियन होता है। तो थोड़ा मैं 12/7 रिबेलियन के बारे में भी यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। विद द स्टार्ट ऑफ 12/7 रिबेलियन उन्होंने कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन एक्सटेंसिव पार्ट्स ऑफ 12/7 एंड बशीरात और खुद को बादशाह प्रोक्लेम कर देते हैं। नारकेल बेरिया एक विलेज है 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम बदूरिया, वहां पर वो अपनी हेडक्वार्टर को स्टैब्लिश करते हैं और यहां पर एक बैम्बू फोर्ट्रेस को स्टैब्लिश करते हैं दोस्तों, ताकि ब्रिटिश से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट के टाइम में वो अपने आप को बचा सके। इसको हम लोग हिस्ट्री में बैम्बू फोर्ट्रेस या बांसर किला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर ही स्टार्टेड रेजिंग टैक्सेस फ्रॉम जमींदार्स ऑफ गोबरडांगा, दिस इज नोन इन हिस्ट्री एज द 12/7 अपराइजिंग। सो नेचुरली लोकल जमींदार्स, इंडिगो प्लांटर्स और जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है एंड अल्टीमेटली लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में एक डायरेक्ट ओवर कन्फ्लिक्ट होता है। वेल, तीतू मीर और उनके जो फॉलोअर्स थे वो बड़ी बहादुरी से बैटल फील्ड में वो लड़ते हैं और इस तरीके से ये ख़त्म हो जाते हैं और दस फाइनली जो है यहाँ के जो ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे यहाँ पर इस जगह को कब्जा कर लेते हैं और बचे हुए लोग को कहीं ना कहीं कैद कर लेते हैं। वेल, ये मूवमेंट चल नहीं पाता है, इसके प्रिंसिपल्स बस आम लोगों तक लिमिटेड रह जाती है। इस नेचर फाइनली मूवमेंट के नेचर के बारे में बात करते हैं तो हिस्टोरियंस कहीं ना कहीं डिफर करते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मूवमेंट। पर्टिकुलरली अगर एक हिस्टोरियन के बारे में बात करते हैं डॉक्टर कयूम अहमद, ये पॉइंट आउट करते हैं कि मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स और ये कहीं ना कहीं नॉन कम्युनल था। इसके नेचर को लेकर ये बात करते हैं, नॉन कम्युनल था ये। वेल, मैं बता देना चाहता हूँ विलियम हंटर जो कि एक हिस्टोरियन है उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं एक सर्विंग इंटरेस्ट था ऑफ एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स, तो कहीं ना कहीं किसानों के हक में चला गया, ये एक मूवमेंट था जो अपने इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, राइट। लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज को पोस्ट करने में कामयाब रहा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।